हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड और बची हुई रोटी से बहुत ही आसान सी नाश्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बहुत ही कम चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। इसे हम बहुत ही कम सामग्री में बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही कम घी या ऑयल में। तो चलिए इस आसान और टेस्टी सी मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 पीस ब्रेड ले लिया है। ये मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। बाकी बची हुई 2 रोटियाँ भी ले ली है, आप चाहे तो रात की बची हुई रोटियों से भी इस नाश्ता को बना सकते हैं। अब सबसे पहले इन ब्रेड के कॉर्नर को हम अलग कर लेंगे और इस कॉर्नर को आप फेंकिएगा नहीं, इससे बहुत सारी रेसिपी बन जाती है। इससे चाहे तो आप ब्रेड क्रम्स बना ले या फिर कोई डेजर्ट भी बना सकते हैं। इसका डोसा भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। इसकी रेसिपी मैं बहुत पहले ही आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। इन ब्रेड के कटे हुए साइडों को अलग रख लेंगे। हम इस नाश्ता को बनाने से पहले इसके लिए मजेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम 1 बंच हरा धनिया लेंगे और हरा धनिया को हम डंठल के साथ ही डालेंगे, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही डालेंगे थोड़े से पुदीना पत्ते, अगर आपको पुदीना पत्ता नहीं पसंद हो तो आप पुदीना पत्ता नहीं भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लेंगे 4-5 कलियाँ लहसुन की, लहसुन आप नहीं खाते हो तो नहीं भी डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च डाल लेंगे और इसमें डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम चटनी तैयार कर लेंगे। ढक्कन बंद कर लेते हैं और इसे बारीक पीस लेते हैं। लीजिए, ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैंने ज्यादा पतला नहीं किया है। इसे आप चाहें तो 1 सप्ताह के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं या फिर फ्रीजर में भी रख सकते हैं। ये इसी तरीके से ग्रीन बनी रहेगी। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ बारीक शिमला मिर्च, इसे मैंने बिल्कुल बारीक काट के लिया है, और साथ ही लेंगे 1 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक ही कट किया है। आप चाहें तो इस स्टफिंग को सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा सा उबला हुआ आलू था तो मैं उसे भी काट कर ले रही हूँ। ये उबला हुआ आलू है और 1 बड़े साइज का आलू लिया है मैंने, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के लिया है। अगर आपको और कोई भी सब्जियां पसंद हो तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च से भी इस स्टफिंग को आप तैयार कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद हो तो इसमें हरी मिर्च को भी काट कर डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी काट कर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी चटनी तैयार कर लिया है तो इसमें धनिया पत्ता नहीं डालूंगी, और ये चटनी तीखी है ही तो इसके लिए मैं हरी मिर्च को भी इसमें ऐड नहीं करूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर लूंगी, ज्यादा ऐड नहीं करूंगी, नहीं तो ये तीखी हो जाएगी। अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम चीजों से स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें कटे हुए खीरा भी डाल सकते हैं, कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो इसे स्टफिंग में आप डाल सकते हैं। इसे मैंने बहुत ही कम चीजों में तैयार किया है। यह इसे साइड रख लेते हैं। अब हम 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। इन 3 ब्रेड के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, आप चाहें तो इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं। बटर डालने से इसका टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 3 ब्रेड के ऊपर बटर लगा लेने के बाद इस पर हम लगाएंगे ये तैयार की गई हरी चटनी। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा ही लगा देना है ताकि इसमें अच्छा सा चटनी का टेस्ट आ जाए। अब इस तरीके से चटनी लगा लेने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे इस तरीके से, और स्टफिंग को थोड़ा सा फैला लेंगे। दूसरे ब्रेड के ऊपर भी स्टफिंग डाल लेते हैं। ब्रेड के ऊपर स्टफिंग डाल लेने के बाद अब हम एक छोटा सा क्यूब चीज का लेंगे और इसके ऊपर क्रश करके डाल लेंगे। चीज डाल लेने से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास चीज नहीं हो तो आप इसमें पनीर को भी क्रश करके डाल सकते हैं। अगर पनीर नहीं हो तो आप बिना पनीर या बिना चीज के भी इस नाश्ता को बना सकते हैं।
उससे भी ये नाश्ता काफी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगी। और चीज आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉर्मल क्यूब्स वाला चीज लिया है। दो ही ब्रेड के ऊपर हमने इस तरीके से स्टफिंग की है, और जिस पे स्टफिंग नहीं किया है उसे इसके ऊपर हम कवर कर लेंगे, और दूसरे ब्रेड को हम उठाकर इस तीसरे वाले स्टफिंग वाले ब्रेड पर रख देंगे और इसे हल्का सा दबा लेंगे। ये हमारा एक नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इस सेम तरीके से हम इस ब्रेड के ऊपर भी स्टफिंग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें दो ही ब्रेड के ऊपर स्टफिंग करनी है। चटनी हमने तीनों के ऊपर लगाया है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चीज क्रश करके डाल लेते हैं। हमारा ब्रेड वाला नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे सेक कर दिखाती हूँ आपको। अब इस ब्रेड वाला नाश्ता को सेकने के लिए हम इस तरह का सैंडविच मेकर लेंगे। इससे क्या होता है कि इसमें नाश्ता बहुत ही कम घी ऑयल में बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी से सिक जाती है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं हो तो इसे आप नॉर्मल तवे पर भी सेक सकते हैं। अब इस सैंडविच मेकर में थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, ज्यादा बटर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इस नाश्ता को सेकने के लिए बटर लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। सैंडविच मेकर में बटर लगा लेने के बाद इस नाश्ता को इसमें डाल लीजिए और इसे बंद कर लीजिए। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इस नाश्ते को चारों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। सकते हैं, देख सकते हैं कितना ज्यादा क्रिस्पी बनकर ये नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं और दूसरे नाश्ते को भी इसी तरीके से उलट पलट कर दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। दूसरा नाश्ता भी सेक कर तैयार हो चुका है। देखिए दोनों साइड से कितना अच्छा ब्राउन सा ये सेक कर तैयार हुआ है। प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा ब्रेड वाला नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं एक नाश्ता को आपको कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर से भी देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। ये हमारा ब्रेड का ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस नाश्ते को साइड रख लेते हैं। अब मैं आपको बची हुई रोटी से नाश्ता तैयार करके दिखाती हूँ। तो उस नाश्ते को बनाने के लिए रात की बची हुई रोटी या फिर सुबह की बची हुई रोटी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर ग्रीन चटनी को भी लगा सकते हैं, या फिर ग्रीन चटनी नहीं बनाना चाहते हो तो इसमें सिंपल सा टमाटो केचप लगा सकते हैं, या फिर पिज्जा सॉस हो तो पिज्जा सॉस लगा लीजिए, या फिर शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। इस तरीके से टमाटो केचप लगा लेंगे और ये बनाई गई फिलिंग को डाल लेंगे। अब इस स्टफिंग को रोटी के ऊपर डाल लेने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से ग्रेट किया हुआ पनीर डालूंगी। ये होममेड पनीर है। अब बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसमें पनीर ही डालें, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। अब पनीर डाल लेने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा रोटी का एक नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपके घर में ब्रेड नहीं हो तो सिंपल रोटी से भी इस नाश्ते को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ब्रेड से कहीं ज्यादा ये हेल्दी होगा। तो चलिए इसे मैं सेक कर दिखाती हूँ आपको। इस रोटी वाले नाश्ते को सेकने के लिए मैं एक पैन लूंगी और इसमें बटर नहीं डालूंगी, इसमें मैं घी डाल रही हूँ। एक चम्मच घी डाल लेंगे, ज्यादा घी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम घी में ये बनकर तैयार हो जाती है। घी को पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे। घी को पैन में फैला लेने के बाद इस रोटी वाले नाश्ते को हम पैन में डालेंगे। का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। साइड से ये ब्राउन हो चुकी है और क्रिस्पी भी हो चुकी है, इसे दूसरे साइड भी सेक लेते हैं। ये हमारा रोटी का बना हुआ नाश्ता भी दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक चुका है, इसे भी दो भागों में हम कट कर लेंगे। ये हमारा रोटी से बना हुआ टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कि स्टफिंग से हमारा आसान सा और टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। इसे आप सुबह के नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में या शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसे आप सिंपल टमाटो केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। किसी भी चटनी के साथ ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी।
आपको इन दोनों में से कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ में चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।